हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग और सतयुग की संधि बेला में आज हर कोई अपने अपने जीवन में सभी प्रमुख कार्यों को निपटाने में लगा हुआ है। यानी हमारे जीवन में इतने सारे कार्य, कभी लगता है कि खत्म ही नहीं होंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे कार्य कभी भी खत्म नहीं होंगे। हर किसी के जीवन में हर एक का कार्य एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन क्या आप कभी ये सोचे हैं कि समय कितनी तेज़ी से आगे की ओर भाग रहा है। समय का चक्र ऐसा जिसमें हर कोई आज उलझ कर रह गया है, और चाहिए के लालच में हम ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में अपने जीवन का कितना बहुमूल्य समय हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। सिर्फ कुछ और पाने की चाहत, कंपटीशन की दौड़ में दूसरों से अपने आप को अच्छा साबित करने की चाहत या बड़ा दिखलाने की चाहत आज इंसान को कुछ एक बातें भुला दी हैं। आज इंसानों के दिमाग से वो बातें निकल गई हैं जिनके लिए उन्हें इस धरती पर भेजा गया। क्या सिर्फ नौकरी करने के लिए, परिवार चलाने के लिए ही इस दुनिया में इंसान आया है, या समय समय पर उसे उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं से कुछ सीख लेने के लिए? आपके जीवन में जब भी कोई घटना घटती है, याद रखिए, यूनिवर्स बिना कारण किसी भी घटना का को अंजाम तक नहीं पहुंचाती है। यानी इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जब भी कोई घटना घटित होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, लेकिन वो कारण हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कारण हमारी आँखों पर इस कलयुग के अज्ञानता की काली पट्टी बंधी रहती है। जब हम उस अज्ञानता की पट्टी को उतारते हैं और कुछ सोचने समझने के लायक होते हैं, तब तक हमें लगता है कि जीवन का काफ़ी सारा समय हमने बेकार की बातों में लगा दिया। किसने क्या कहा, कौन किस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कैसे हम दूसरों को बीट करके आगे निकलें ताकि हम अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सकें, क्या यही एक इंसान के जीवन का मकसद है? आज जिस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं लगातार आती चली जा रही हैं, 2023 अभी सिर्फ 2 महीने बीते भी पूरे नहीं हैं, जनवरी बीता, जोशीमठ का हादसा सभी के सामने आ गया, खत्म भी नहीं हुआ कि टर्की और सीरिया में 25,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, ये आंकड़ा अभी आ रहा है। अभी तो ना जाने कितनी सारी लाशें, कितनी सारी डेड बॉडीज मलबे के नीचे हैं, जिन्हें निकालना और जो रेस्क्यू का काम चल रहा है उसे ख़त्म करना अभी तो बहुत समय है। उसके पहले रशिया यूक्रेन का युद्ध लगातार जो 2022 में स्टार्ट हुआ फेब में, वो अभी तक 1 साल से चलता ही चला जा रहा है, ना जाने उसमें कितना अधिक नुकसान। लोगों ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की ये सोचकर नहीं कि एक दिन यही जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। खत्म करने के लिए कोई इकट्ठा नहीं करता, बल्कि यही सोचकर कि ये हमारे फ्यूचर के लिए हम इकट्ठे कर रहे हैं। आज टर्की और सीरिया में लोग लूटपाट कर रहे हैं, भूकंप पीड़ितों की मदद के बजाय वहाँ के जो लोग हैं वो लूटने में लगे हैं कि मलबे में से कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा सोना चांदी, कौन सा पैसा रुपया कैसे हम लूट लें ताकि उससे हमारा जीवन यापन हो सके। सोचिए कि इंसान की इंसानियत आज कहाँ खो गई है। वहीं के लोग जो मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान, हम लोग एक हैं, कहाँ है जाति, कहाँ रह गया धर्म, इंसान की इंसानियत भी आज इंसान भूल चुका है। मानव धर्म तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक इंसान की इंसानियत क्या होती है? इस प्राकृतिक आपदा में भी लोगों को वो याद नहीं रहा। आज लोग लूटपाट कर रहे हैं,
दूसरों की चीज़ें, जहाँ एक तरफ एक इंसान ढूंढ रहा है अपने परिवार के लोगों को कि मलबे के नीचे से कोई चीख मिल जाए, शायद उनके परिवार का कोई सदस्य जो बच जाए, लेकिन इसी में ऐसे लोग भी हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको ही एविल पीपल हम कहते हैं। तो एविल फोर्सेस का एविल एक्ट देखने को मिल रहा है। काश ये लोग समझ जाएं कि कल की अवतार के मिशन का एक एक पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई नहीं आपको देख रहा। आप लूटपाट करके लेकर चले जा रहे हैं अपने घर में, आप कुछ चुरा ले रहे हैं, सबको धोखा दे दिया और आपको वो चीज़ें मिल गई। क्या आप तक वो चीज़ रहेगी, आपके पास वो चीज़ रहेगी? नहीं। समय अनमोल है और समय सबसे बड़ा टीचर। फिर से प्राकृतिक आपदा आएगी और जो चीज़ें आपने दूसरों को लूटकर अपने घरों में इकट्ठी की, हो सकता है वो चीज़ें फिर से वापस ले ली जाएं, क्योंकि वो तो आपकी कमाई थी ही नहीं, आपने दूसरों से लूटा था। तो ये प्राकृतिक आपदा की लूट की तो अलग बात हो गई, लेकिन ऐसे ही आज का जो समाज है, आज की दुनिया है, लोग दूसरों को लूटने में लगे हुए हैं, लोग दूसरों को नीचा दिखलाने में लगे हुए हैं, भूल गए हैं कि वास्तव में हम जो दे रहे हैं वही हमारे पास वापस आने वाला है। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ें दें, ताकि जब वो चीज़ें हमारे पास लौटे तो एक अच्छे रूप में आए हमारे पास। याद रखिए, आने वाला समय एक एक पल कल के अवतार के मिशन का, युग परिवर्तन की बेला में, युग परिवर्तन में हर एक कार्य, हर एक मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितना आपने अपने जीवन के लिए एक नई सीख ले ली, वही आपकी अनमोल धरोहर है, वही आपकी अटल संपत्ति है जो आपके साथ यहाँ से जाने वाली है। बाकी पैसा, रुपया, धन दौलत, बंगला, गाड़ी सब यहीं छूट जाएगा, और एक सेकंड में कल की अवतार यहीं छुड़ाते जा रहे हैं। सेकंड नहीं लग रहा है, इंसान रात को सो रहा है और सुबह सब कुछ खत्म। तो कल की अवतार के मिशन में हर एक मोमेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन आज का इंसान जो अपनी आँखों पर अज्ञानता की पट्टी बांधे हुए है, ना जाने उसकी वो पट्टी कब खुलेगी, कब वो समझेगा इस मिशन को, युग परिवर्तन के इस कार्य को जो कल के अवतार लगातार अपनी डिवाइन टीम के साथ कर रहे हैं। अगर अब भी सावधान नहीं हुए तो आने वाला समय और विकराल है। काल जो है वो विकराल रूप लेकर आ रहा है, और ऐसा विकराल रूप जिसमें सिर्फ डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना मना है, डरिए मत। सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि इतने ही लोग बचेंगे, उतने ही लोग बचेंगे। किसने देखा, कल किसने देखा है? जो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 64 करोड़ लोग ही बच जाएंगे 2025 में, दुनिया एंड, किसने देखा? किसकी बातों में कितनी सच्चाई? सत्य सिर्फ यही है कि युग परिवर्तन की बेला में, कल के अवतार के मिशन में, जितना आप खुद से जुड़ जाइए और उस ईश्वरीय ताकत से जुड़ जाइए, अपनी राह को स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ दीजिए, वही आपकी असली धरोहर होगी। क्योंकि एवरी मोमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन कल की देव्स मिशन। सो बी अलर्ट, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फियर में नहीं रहना है, बल्कि अपने आप को संभालना है और अपने चारों ओर, अपने परिवार के चारों ओर वो डिवाइन ऑरा को कायम रखना है, जिसमें कोई चाहे भी तो घुसकर नेगेटिविटी न फैला सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।